हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एसडी किचन एंड इजी लाइफ। फ्रेंड्स, आज लंच में मेरे बेटे की पसंद का कुछ भी खाना नहीं बना है। स्कूल से आते ही सबसे पहले वो यही पूछता है कि आपने क्या खाना बनाया है। अगर उसके पसंद का खाना होता है तब तो वो आराम से खा लेता है, अगर पसंद का नहीं होता है तो मुझे बहुत परेशान करता है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए कुछ ऐसा बना देती हूँ ताकि वो आराम से खा ले और परेशान भी ना करे। तो मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया, इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिया है और आधी छोटी कटोरी मैंने सोया चंक्स, जो छोटे वाले सोया चंक्स आते हैं, इसे भिगो के रख दिया है साइड में। और यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है, दो टमाटर, तीन मीडियम साइज का प्याज है और एक हरी मिर्च है। तो यहाँ पे आलूओं को मैं बड़े बड़े टुकड़े में काट रही हूँ। सारी सब्जियों को मैंने पहले ही धो लिया था और प्याज को भी मैं बड़े बड़े टुकड़े में काट के और इसके परत को अलग अलग कर लूँगी। आप इस रेसिपी में अपने बच्चे के मनपसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अभी कोई भी हरी सब्जी नहीं थी, तो फिलहाल मैं आलू प्याज टमाटर से ही काम चला रही हूँ। अगर आपके पास बीन्स हो, शिमला मिर्च हो या गाजर हो तो उसे भी आप बड़े बड़े टुकड़े में काट के डालें तो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरे बेटे को बड़े बड़े टुकड़े में कटा हुआ सारी सब्जियाँ अच्छी लगती है, तो मैं बड़े बड़े टुकड़े में ही काट के इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं टमाटर को भी बड़े बड़े टुकड़े में ही काटूंगी। अगर आप इस तरीके से किसी भी रेसिपी में ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल करती हैं तो बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं। तो मैं अक्सर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करती हूँ उसके लिए, तो सब्जियाँ भी खा लेता है इसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने टमाटर को भी बड़े बड़े टुकड़े में काट के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी सारी सब्जियाँ कट के तैयार हो चुकी हैं और अब सोया चंक्स को पानी में एक दो बार धोने के बाद इसके सारे पानी को निचोड़ के हम प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारी सारी सब्जियाँ एकदम तैयार है और अब हम एक पैन गरम करने के लिए रखेंगे। इसमें दो चम्मच तेल गरम करने के लिए रखेंगे और यहाँ पे हम लेंगे दो से तीन चम्मच मूंगफली। मूंगफली को हम भून लेंगे और अब लो फ्लेम पे मूंगफली को क्रिस्पी होने तक भुनेंगे। इस रेसिपी में मूंगफली बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और मूंगफली हमारी यहाँ पे सिक चुकी है, अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। तो अब हम मूंगफली को निकाल लेते हैं प्लेट में और अब इसी तेल में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच सहजीरा, जिसे हम काला जीरा भी बोलते हैं, और आधी छोटी चम्मच नॉर्मल वाला जीरा डालेंगे जिसे हम तड़का लगाते हैं, कुछ टुकड़े दालचीनी का डालेंगे, मसालों को हल्का सा चटकने देंगे और फिर डाल देंगे आलू और प्याज को। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे हम 8-10 करी के पत्ते। और अब सब्जियों को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे आधे से एक मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। सब्जियों को हम थोड़ा क्रंची ही रखेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे हरी मिर्च को भी डाल देंगे। और सारी सब्जियों को हम आधे से एक मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसी स्टेज पे आपके पास जो भी हरी सब्जियां हो डाल के आधे से एक मिनट के लिए फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे जब सब्जियां क्रंची फ्राई हो जाए तो इसमें हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। अगर आप पहले ही नमक डाल देंगे सब्जियों में तो सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी, तो इसे हम फ्राई करने के बाद ही नमक डालेंगे। और यहाँ पर कुछ मसाले, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, एक दो चम्मच यहाँ पे हम पानी डाल के और मसालों को एक दो मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो हल्का सा मसालों को फ्राई करने के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे सोया चंक्स। सोया चंक्स डाल के और मसाले के साथ जब फ्राई करेंगे तो मसाले भी सोया चंक्स के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और जूसी भी हो जाते हैं ये सोया चंक्स। तो यहाँ पे हमें सारे मसालों को एक दो मिनट के लिए फ्राई करना है। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है और अब हम मसालों को लगातार चलाते हुए एक दो मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। मसाले फ्राई हो चुके हैं तो अब हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर और सारी सब्जियों के साथ टमाटर को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ढक के टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम पकने देंगे। तो आधे से एक मिनट तक हम इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है चावल, रात को मैंने चावल बनाया था तो वो बच गया है, 2 छोटी कटोरी यहाँ पे चावल है, तो इससे ही मेरा काम बन जाएगा और मेरा बेटा बहुत पसंद से खा भी लेगा। तो मैं चावल के अंदर डाल देती हूँ 1 छोटा चम्मच नमक और भुनी हुई मूंगफली, और इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब आधा मिनट हो चुका है, लीड हटा लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, और सारी सब्जियों में कसूरी मेथी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है, टमाटर को हमें मसलना नहीं है, बस इसी तरीके से ये मोटे मोटे टुकड़े में रहेंगे। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ अच्छे से कुक हो चुकी हैं और अब हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच सोया सॉस और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे हम पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डाल देते हैं चावल को, तो चावल को डालने के बाद सारी सब्जियों के साथ हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरीके से बीच में जगह बना के और इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल के और फिर इसे पकाना है, क्योंकि जब हम फ्रिज से चावल निकालते हैं तो वो थोड़ा टाइट रहता है, तो एकदम तुरंत उसे डाल के और फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो इस तरीके से पानी डाल के सारे चावल को अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए और इसे ढक के 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दीजिए। इससे चावल एकदम सॉफ्ट, ताजे और एकदम नरम और खिले खिले लगते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए चावल एकदम खिले खिले हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल ताजे लगते हैं। तो सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप सब्जियों को बड़े बड़े टुकड़े में काट के और चावल फ्राई में डालते हैं तो जब आप खाते हैं तो सब्जियों का टेस्ट आता है, तो इसी तरीके से मेरे बेटे को पसंद है, कोई भी सब्जी मैं डालती हूँ तो वो इसे बड़े बड़े टुकड़े में ही कटवा के डालता है। तो मैं इसी तरीके से चावल फ्राई करती हूँ, तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। जब भी आपको चावल फ्राई करना हो तो इस तरीके से ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत झटपट बन जाती है, बहुत सिंपल तरीका है। तरीका सिंपल ज़रूर है लेकिन खाने में इतना टेस्टी कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे पेट भर के खा लेंगे। और जब इसमें बड़े बड़े सब्जियों के टुकड़े मुँह में आते हैं तो खाने में वो काफ़ी टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से आप भी चावल को ज़रूर फ्राई कीजिएगा। अगर ये तरीका आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।